जय श्री राम, जय बालाजी महाराज भक्तों। मैं बालाजी का छोटा सा सेवक, बालाजी के यूट्यूब चैनल बालाजी की कृपा और वंशु डीपी के व्लॉग्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, जो खुद हनुमान जी ही चला रहे हैं। हमने शिव प्रसन्न साधना बताई थी, 1,25,000 मंत्र जाप की, 11 दिन की, 21 दिन की, 58 दिन की है ना, और 1 महीने की भी बताई थी, और मंत्र जाप भी बताया था। 2 लाख भी कर सकते हैं, 1,25,000 भी कर सकते हैं, कितनी कैलकुलेशन थी माला की वो सब बताई थी। वो सब बताने के बाद मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप तो मुझे भेजोगे ही भेजोगे अनुभव अपने हुए होंगे, तो मैं अपना अनुभव बताता हूं आपको, जो बहुत गजब का अनुभव। जब मैंने ये पहले दिन का ही अनुभव बता रहा हूं, एक बहुत दिव्य अनुभव है, वो नहीं बताऊंगा, मना है उसके लिए, लेकिन जो बताने जा रहा हूं वो बहुत दिव्यों का दिव्य अनुभव, ध्यान से सुनो। मैंने जिस दिन संकल्प लिया ओम नमः शिवाय, ओम 1,25,000 का जाप आज से करेंगे, चौथे चार चार तारीख से, 4 जुलाई से, तुम्हारी भाभी और मैंने दोनों ने संकल्प लिया और अखंड ज्योत जला दी, प्रज्वलित कर दी भोलेनाथ की, भोलेनाथ परिवार की, भोलेनाथ जी, पार्वती जी, वासुकी, नाग देवता, गणेश जी महाराज, कार्तिकेय भगवान और नंदी भैया की, सबकी, पूरे शिव परिवार के लिए अखंड ज्योत जला दी और जाप कर डाला। 108 माला रोज हम कर रहे थे एक ही टाइम में, वन सिटिंग में, सुबह नहा धो के शिव जी को जल चढ़ा के, जैसे जैसे बताया वीडियो वैसे वैसे। ऐसा नहीं है कि मैं आप सबको दे देता हूँ, खुद नहीं करता हूँ, मैं भी करता हूँ। मैंने जैसे बता रखा है चैनल पे, मैं नहीं करूंगा तो कैसे चलेगा, मैं करता हूँ, मैं बताता हूँ तभी करता हूँ, पहले भी किया है मैंने, तो 1,25,000 का जाप पहले भी किया है मैंने और मंत्रों का, तो मैंने वो किया। तो फर्स्ट दिन, ये पहले दिन ही बता रहा हूं, दोपहर में गणेश जी भगवान दिखाई दिए मुझे, ऐसे बड़ी लंबी सी सूंड थी, बड़ी प्यारी थी, पीले पीले, बहुत सुंदर से, चारों तरफ तेज था उनके, रोशनी निकल रही थी उनके पीछे से। उसी रात को, फर्स्ट डे की रात को ही क्या दिखता है कि तुम्हारी भाभी और मेरी मम्मी भागी भागी आई हैं और कह रही हैं, देखो 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 कितना बड़ा नाग, देखो देखो कितना बड़ा नाग। अगर नाग, हाँ, उन्होंने मेरे को बाहर बुलाया, घर से बाहर, तो मैंने घर के बाहर झांक कर देखा है, तो भाई साहब यकीन नहीं मानोगे कि मेरी, मैं कौली भरूंगा, कौली भरना गला, गले में इतनी कौली भरूंगा, तब भी कौली में नहीं आएगा, तो इतना मोटा, मोटाई में करीब एक हाथी के बराबर मोटा, हाथी के पेट जो होता है ना, पेट उसके बराबर मोटा मोटा नाग ऐसे मेरे घर के चारों तरफ ऐसे बैठा, कुंडली बना के ऐसे, मतलब ये तो फन उठा रखा है, मेरे घर के मुंह की तरफ, मुंह की तरफ से सामने दिख रहा है वो, और चारों तरफ उसका इतना मोटा, उसका तो शरीर है बाकी का, हाथी के पेट के बराबर मोटा, चारों तरफ ऐसे घर के ऊपर ऐसे बना करके कुंडली मार के ऐसे करके बैठा हुआ। और भाई साहब मैं तो देखकर घबरा गया, इतना बड़ा शेष नाग या वासुकी नाग देवता थे या भोलेनाथ के देवता थे, बहुत दिव्य चीज दिखी, और देख करके तो दंग रह गया, घबरा गया मैं भी घबरा गया। मम्मी जी हमारी बोल रही हैं कि बेटा पूजा करो, उनकी जल चढ़ाओ उनको, हम जल चढ़ा रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, ऐसे करके हाथ जोड़ रहे हैं उनके। इतना बड़ा नाग दिखा जिस दिन हमने अखंड ज्योत प्रज्वलित की थी, उसी दिन रात को, दिन में गणेश जी और रात को वासुकी नाग देवता ही बोलूंगा इनको मैं, वो दिखाई दिए, इतने मोटे, इतने बड़े, ऐसा फन फैला रखा उन्होंने भाई साहब, जो अच्छे अच्छे लोग देख कर जाए, जैसे कि पहरा लगा रखा है घर के चारों तरफ कि देर इज अखंड ज्योत ऑफ माई लॉर्ड शिव, यहां मेरे भगवान शिव के अखंड ज्योत जल रही, कोई यहां पे नजर उठा के मत देखा, ऐसे हाथ जोड़े हमने, ये करा वो करा। उसके बाद सुबह के 3:30 बज रहे थे, मेरी आंख खुल गई, मैंने देखा तो कुछ भी नहीं है, फिर समझ में आया ये अनुभव कराया भगवान भोलेनाथ ने, जब अखंड ज्योत जलाई तो उनका आना, उनके गणों का आना, उनकी शक्तियों का आना तो पॉसिबल है ही, आएंगी ही आएंगी। ये चीज देखी भाई साहब दंग रह गया। मैंने कहा जब समापन हो जाएगा, साधना खत्म हो जाएगी, हवन हो जाएगा, तो मैं जरूर इसका चैनल पे डालूंगा, ताकि आप सबको मालूम चले कि हाँ रियल में होता है, जिनको अनुभव नहीं होते उनके साथ भी होता है ऐसा, दिव्य शक्तियां आती हैं उनकी देवता की, लेकिन उनको दिख नहीं पाती कभी कभी, तो वो सोचते हैं अनुभव नहीं हो, मजा नहीं आया, सब होता है। 2 दिन बाद और भी अनुभव हुए, और गजब गजब के अनुभव हुए भाई साहब, ऐसी दिव्य शक्ति, मेरी खिड़की खुल गई है एकदम से, और उस खिड़की खुलने के बाद से इतनी तेज वाइट रोशनी, जैसे कि 1,00,000 वाट का किसी ने बाहर ऐसी रोशनी, सूरज ही आ गया क्या, रोशनी नजर आ रही है पूरी वाइट, मेरे चेहरे पे पड़ रही है पूरी वाइट रोशनी,
मैं देख नहीं पा रहा बाहर क्या, पूरी आंखों देख रहा हूँ, दिख ही नहीं रहा बाहर क्या, सिर्फ व्हाइट रोशनी दिख रही है वो अंदर आती हुई, जैसे कि घर में कोई मोखा रह जाए और वहां से सूरज की रोशनी आती है तो ऐसे वो दिखता है ना, आता है रोशन, रोशनदान से रोशनी से आती दिखती है ना, वैसे ही खिड़की से रोशनी आ रही है बहुत तेज मेरे ऊपर गिर रही। ये चीज देखी मैंने, दंग रह गया भाई सब, आंख खुली हुई थी, ये क्या था, और मेरी आंखों से टकरा रही थी वो सारी चीज, उनका कोई दिव्य चीज या फिर वो नाग देवता जो बाहर है वासुकी नाग देवता, उन्हीं की रोशनी उन्हीं का तेज है या कोई बहुत बड़ा देवता आया। समापन होने से दो दिन पहले मैं सो रहा था, सोते सोते ऐसी खुशबू आनी शुरू हुई, ऐसी खुशबू आनी शुरू हुई कि उस खुशबू को सूंघते सूंघते मेरी नींद जो 100% पक्की थी वो 80% हुई, 70, 50, 40, 30, 20 खुल गई। मैं कह रहा यार खुशबू मैं पक्की नींद में हूं, तब से आ रही है और अब तक आ रही है जैसे मेरे पास में कोई खड़ा है। मैंने आंख जब खुल गई है बहुत देर तक खुशबू आती रही, हनुमान जी की सिंदूर की खुशबू नहीं थी, भोलेनाथ से रिलेटेड कोई देवता थे उनकी खुशबू थी, उनके गण होंगे जो वो चाहते थे कि मेरे को ना दिखे, वो दिखे नहीं मुझे, झूठ नहीं बोलूंगा कि मैं ऐसे बोल दूं हाँ हाँ मुझे दिखे, नहीं दिखे वो, लेकिन खुशबू मेरे उठने के 5 मिनट बाद तक गई। मैंने तुम्हारी भाभी से बच्चों से पूछा कि तुमने इस कमरे में क्या सेंट छिड़का था कुछ का या रूम फ्रेशनर छिड़का था, उन्होंने कहा नहीं कुछ भी नहीं, तुमने किसी ने लगाया क्या, नहीं बिल्कुल भी नहीं, तुम इस कमरे में आए थे, हम तो आधे घंटे से कमरे में नहीं आए बाहर बातें कर रहे थे। तो भाई क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं, सब कुछ होता है, जाप करें और आखिर दिन तो क्या दिखा तो मैं क्या बताऊं। मंदिर में, मेरे घर के मंदिर में एक कुत्ता आया, वो जलेबी खा रहा है मंदिर में से लेकर, मंदिर में से लेकर जलेबी रखी मंदिर में, वो कुत्ता जलेबी खा रहा है, लाल कुत्ता, एक कुत्ता लेटा हुआ है और एक छोटी बच्ची करीब 1 साल की या 8-9 महीने की होगी, वो मंदिर में चढ़ रही है, हमारे घर के मंदिर में चढ़ रही है, कुछ लोगों ने देखा उन्हें पता होगा क्योंकि वीडियो में दिखाता रहता हूँ, वो मंदिर में चढ़ रही है, कुछ उठा रही है, खा रही है, फिर चढ़ रही है, इस अलमारी में चढ़ रही है, उस अलमारी, छोटी बच्ची बहुत, वो माता थी और वो भैरव बाबा थे। और सेकेंड लास्ट डे ये भी देखा मैंने, जब बता ही रहा हूँ तो पूरा ही बता देता हूँ, एक काला कुत्ता बहुत बड़ा अच्छा खासा आकर के मेरे बराबर में बैठ गया और वो मेरे को मुंह चाट रहा है, यहां से चाट रहा है, यहां से चाट रहा है, यहां से चाट रहा है, जबकि हनुमान जी के वानर दिखते थे इस तरह से, लेकिन उस दिन मुझे भैरव बाबा गण दिखा, या भैरव बाबा ही बोलूंगा, काला कुत्ता दिखा। और घर में कुत्ते जलेबी खा रहे हैं मंदिर में से उठा के, मतलब जिस दिन मुझे हवन करना था उस दिन दिखाए, घर में कुत्ते आए हैं, माता रानी बच्ची रूप में आई है, मंदिर में से उठा के खा रही है और भैरव बाबा का गण वो जलेबी खा रहा है, और मैं 5 मिठाई लाया ही था हवन करने के लिए, मैं उठा अगले दिन, उसी दिन मुझे हवन करना था 5 तारीख को। तो ये देखा मैंने भाई साहब, ये अनुभव मेरे अनुभव है, ये 1.25 लाख जाप के, ओम नमः शिवाय ओम के, एक दो और भी हुए हैं याद नहीं आ रहे हैं, और एक दो का आदेश नहीं है तो वो बताऊंगा नहीं, ठीक है। तो ये अनुभव हुए, आपको भी हुए होंगे, आप भी चाहें तो लिख के भेज सकते हैं ताकि हम आपकी वीडियो आज नहीं तो कभी ना कभी तो बनेगी, ठीक है। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज, जय श्री राम, हनुमान जी महाराज कृपा करें, करुणा करें, आप सबकी समस्याओं का समाधान करें, हमारी यही विनती है। जय श्री सीताराम।